आइए हम बात करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है वर्टिकल ओपनिंग ब्रिज। सर्वेश तिवारी, सिविल ब्रांच सेकेंड ईयर फ्रॉम अमेठी। माई सेल्फ दिलशान खान, सिविल सेकेंड ईयर फ्रॉम अमेठी। माई सेल्फ ऋषभ तिवारी, सिविल सेकेंड ईयर RRSMT अमेठी। माई सेल्फ सर्वेश वर्मा, RRSMT। आइए हम बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमारा कॉलम है और ये डेक है। स्टील स्ट्रक्चर का स्पेन रहेगा और ये रहेगा केबल्स, जो कि यहाँ पर लोड इसको ट्रांसफ़र करके ट्रांसमिट करके यहाँ से कॉलम के द्वारा नीचे चला जाएगा। और ये बैरियर रहेगा, या ये ब्रेकर रहेगा, या ब्रेकर वायरिंग देने के लिए। और यहाँ पर ये अलार्म साउंड लगा रहेगा, जिससे जाने पर इसको एक बीप सायरन बजेगा, जिससे ट्रैफिक लेवल रोक दिया जाएगा। और ये हमारा डेक है, स्टील का रहेगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे मोटर द्वारा, इसे इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लपेट लिया जाएगा। और कुछ देर स्टेबल रहेगा, जब सिप पार हो जाएंगे यहाँ से, तब तक के लिए इसको ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। ये हमारा बैरियर लगा रहेगा और ये ऑटो वार्निंग, ये वार्निंग है, ये डेंजरस वाला बैरियर लगा रहेगा। जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक इसको रोक दिया जाएगा, उसके बाद इसको नीचे कर लिया जाएगा, सिप पार होंगे उसके बाद ट्रैफिक लेवल चालू हो जाएगा। जब ये हमारा डिग नीचे चलाएगा तब ये ट्रैफिक इसको ओपन कर देंगे, ट्रैफिक भी चलने लगेगी, इस ट्रैफिक से पार होते चले जाएंगे। आइए हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि कैसे वर्क करता है। जैसे हम अभी तक देखे होंगे कि मतलब जो अभी 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 हम लोग देखे हैं साइड ओपनिंग होती है, तो जैसे सिप बड़ी सिप आ जाती है, अभी मतलब छोटी सिप होती प्रॉब्लम नहीं होती है, जब बड़ी सिप आ जाती है तो ये बैरियर का काम करता है सर। उसके बाद से इसको ना हम वर्टिकली ओपन करते हैं, जब ये वर्टिकली ओपन करते हैं इसको इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए इसको अपवर्ड डायरेक्शन में उठा लेते हैं। उसके बाद जब ये ऊपर आ जाता है तो सर यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है। उसके बाद जब ट्रैफिक लग जाता है, उसके बाद जब ये सिप क्रॉस हो जाती है, उसके बाद फिर ये नीचे आ जाता है। जब अपनी पोजिशन पर आ जाता है सर, ये अपनी पोजिशन पर आ जाता है, फिर सर ये ट्रैफिक ओपनिंग हो जाती है। उसके बाद सर गाड़ियाँ अपने मतलब जिस जो व्हीकल्स रुके हुए हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे सी में वाटर तो होता ही है, तो हम सोच रहे हैं कि वाटर के थ्रू कैसे हम इसको वर्टिकली ओपन कर सकें। तो जब अगर ये हो सकता है हो जाएगा, तो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कैसे होगा। अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कोई बात समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें।